हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं भाई, अभी तक दोषियों को क्यों नहीं गिरफ्तार, कोई कार्रवाई नहीं करते, अपना रोष प्रकट करेगा, ये हमारी बात है। और इसी विषय में आज हम मिलने आए एसपी साहब को, जो भी एप्लीकेशन देंगे उसमें यही बात लिखी है, सड़कों पे उतरेंगे अपना रोष। हम अपने सारा बाइक दे देंगे। उस संबंध में कहना चाहूंगा, उस संबंध में एसआईटी एक बना दी गई है डीएसपी गरुंडा साहब के नेतृत्व में, और उसमें दोनों सीआईए स्टाफ, एंटी स्नैचिंग स्टाफ और हमारा साइबर सेल लगातार काम कर रहा है। और ये केस भी सेंसिटिव मैटर है और हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। पिछली जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें हम यूपी पुलिस से भी टाई अप कर रहे हैं, प्लस जो हमारा लोकल इनपुट है उसके हिसाब से ये ब्लाइंड मर्डर, उसमें जो हमसे बन पड़ेगा हम वी आर ट्राइंग। वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आई शुड नॉट बी डिस्क्लोजिंग इट, जैसा भी कुछ होएगा इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। आज हम ब्राह्मण समाज के लोग एसपी साहब से यही प्रार्थना करेंगे कि जो ये मर्डर हुए हैं पुजारियों के, पूजा करते हुए, इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, अन्यथा मजबूरी में समाज ने सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमने 30 तारीख तक का समय दिया है, उसके बाद हम सड़कों पे उतरेंगे यदि नई कार्रवाई करते कोई। तो घटना क्या घटी थी सर? घटना तो मंदिर में वहाँ पूजा पाठ के लिए गए हुए थे और रात को किसी ने मर्डर कर दिया। तो अगली रणनीति क्या है आपकी? अगली रणनीति यही है कि 30 तारीख तक यदि कोई कार्रवाई नहीं करते हम सड़कों पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो प्रदेश स्तर का चलाएंगे? जी, प्रदेश स्तर। क्या नाम है सर आपका? मेरा पवन शर्मा, कुरुक्षेत्र से ब्राह्मण समाज।